द्विपाक्षिक संपर्क सुधारिबा प्रयास रे एबे भारत और पड़ोसी देश नेपाल एई आशा आनिची भारतर स्थल सेना मुख्यक नेपाल परिदर्शन दुई देशर सेना मुख्यक मध्यरे सौहार्दपूर्ण आलोचना सृष्टि करिची संपर्क सुधारिबार सुजोग एई संपर्क हताश करिपारे एक छत्रवादी देश चीन को दुई बंधु राष्ट्रर संपर्क बिगाड़िबारे अनेक दिन धरी खलनायक भूमिका तुलाई आसुची चीन कथावार्ता माध्यम रे दुई देशर संपर्क रे सुधार आणिबा पई नवंबर 4 तारिख दिन नेपाल ले पहुंची थिले भारतर स्थल सेना मुख्य जनरल मनोज मुकिंद नरवन सेठारे पहुंचिबा परे नेपाल सेना एवं सरकार को तरफरु स्वागत संवर्धना दिया जायतिला भारत तरफरु बंधुता स्वरूप जनरल नरवन नेपाल को प्रदान करितिले आंबुलांस वेंटिलेटर एक्सरे मशीन एवं आहुरी अनेक डाक्टरी सरंजाम सेपरि नेपाल मध्य बंधुता स्वरूप भारत को प्रदान करितिला निज देशरे तयारी 1,00,000 मेडिकल मास्क एवं ता सहित भगवान बुद्धंकर एक प्रतिमा जहां शांतिर प्रतीक गुरुवार दिन सकाळे जनरल नॉर्वेन एवं नेपाल स्थल सेना मुख्य जनरल पूर्णचंद्र थापा काठमांडू रे बसी दुई देशर संपर्क सुधारिबा दिगरे आलोचना करिछंती विगत दिन रे दुई देश मध्य रे सृष्टि होइतिबा समस्त प्रकार विवाद किपरि शांतिपूर्ण उपाय रे समाधान होइ परिबो सेति पई उभय प्रयास करितिबार जणा पडिछि खलनायक चीन जोगु अनेक दिन धरि दुई पारंपरिक बंधु राष्ट्र भारत और नेपाल मध्य रे सृष्टि होइतिला शत्रुता साम्राज्यवादी चीन प्ररोचना रे नेपाल भारत सहित आरंभ करितिला सीमा विवाद एपरि कि सीमार किछि भारतीय अंचल को निजर बोली दर्शाई प्रस्तुत करितिला नुआ मानचित्र संपर्क अधिक खराब आड़ को गति करथुबा बेले भारतर ए प्रयास सृष्टि करिछि नुआ आशा नेपाल भी नेइछि सकारात्मक पदक्षेप तबे दुई देशर संपर्क रे सुधार आसिले ताहा चिंता रे पकाइ परे चीन को फसर फाटी परे नेपाल को निज आड़ को नेइ भारत विरोधी कार्यकलाप चलाइबा पई चीन तयारी करथिबा योजना रे दुई देशर संपर्क रे सुधार उभय पक्ष पई हेबो लाभदायक भारतर वैदेशिक नीति एवं कूटनैतिक चालाग रे चीन रो खळनीति विफल हो बोली आशा करा जाउछि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़